हेलो एवरीवन, दिस इज सतेंद्र। अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी एंड क्रैक में सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि वर्तमान की जो स्थितियां बनी हुई हैं उसमें आप कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। सभी को स्वस्थ रहना है तो इसके लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। अब जैसा कि मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं शिक्षा एजुकेशन से संबंधित जानकारियाँ देता हूँ और टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी कराता हूँ और कुछ अपडेट किसी भी एग्ज़ाम के हों उससे संबंधित मैं जानकारियाँ आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के एस्पिरेंट्स हैं या आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको एक इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है कि 31 मई को जो प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली थी आईएएस की, वो अब नहीं होगी। रीज़न आपके सामने है, कोरोना, बहुत सारे कोरोना वायरस, तो 31 मई को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं होगा। एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह का बयान भी आ चुका है और साथ में यूपीएससी की वेबसाइट पे भी क्लियर बताया जा चुका है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। अब एक बात तो है कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल होगा ही नहीं। हमें पता है कि एक या डेढ़ महीने या दो महीने बाद इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और परीक्षा आपकी ऑफलाइन ही होगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ये तो डेढ़ महीने का टाइम मिल रहा है तो इस डेढ़ महीने को वेस्ट ना जाने दें। जीवन में जब हम कुछ गलतियां करते हैं अगर उससे सबक ना लें तो हम बहुत बड़े मूर्ख कहलाएंगे, चाहे मैं आप हूँ, आप हो या मैं हूँ, कुछ भी हो। तो गलतियों से सबक लेना चाहिए हम लोगों को ताकि जीवन में एरर धीरे धीरे कम होते जाएँ। अब जब हमें डेढ़ महीने का टाइम मिला है तो उस समय का हमें सही तरीके से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। कहने का अर्थ ये है कि इस समय कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज़ करते चलें और एक उसमें स्मूथनेस लाते चलें, एक्यूरेट ज्ञान को एक्यूरेट करते चलें। जितना भी कुछ छूटा हुआ है उसको करें और रिविजन करते चलें। टाइम वेस्ट नहीं करना और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मज़े में रहें, मोटिवेट रहें। बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 18 घंटे आप 10 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, लेकिन बी फोकस्ड, इतने फोकस्ड हों उस चीज़ पर, उसमें डेडिकेट हों। कुछ ना कुछ एक डेडिकेशन के लिए एक वजह होना चाहिए। अगर आपके पास वजह है तो आपका समर्पण आपका यूपीएससी आईएएस पर पूर्ण तरीके से होगा, आप देख लीजिएगा। कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, जब इंसान के जीवन में वो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए कुछ काम करता है ना, तो अब वो काम आपका पूरा होगा। तो इस समय को आप वेस्ट नहीं जाने दें, टाइम एक शेड्यूल बना लें, उसका रिवीजन करते रहें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें लेकिन उसका रिवीजन करते चलें। मैं तो आपको यही बोलूँगा, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका गाइड सतीन, अपने लेट्स स्टडी क्रैक के माध्यम से छात्रों की जो शिक्षक परीक्षा होती है टेट एग्ज़ाम, उससे संबंधित अपनी वीडियो बनाता हूँ और साथ में जीएस की वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद। ओके, बाय।